हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी का चिकन कोरमा। चलिए शुरू करते हैं। ये ले लिए हमने कढ़ाई, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। अब लेंगे हम 2 बड़ी प्याज, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने इसलिए डाला है कि जल्दी फ्राई हो जाएंगे ये प्याज। प्याज हमारी हो चुकी है फ्राई। अब हम इन सबको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम डालेंगे चिकन। चिकन हमने धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था। और हम अब डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छे से साफ करके डाल देंगे। अब डालेंगे हम 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी और 3 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और अब डालेंगे हम खड़े मसाले, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और डालेंगे जीरा, शाही जीरा। और डालेंगे 1 कटोरी दही। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है इनको। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। अब ये देखिए पक चुका है। इसको अच्छे से पहले चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने ब्राउन की थी। इनको अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे। इनको अच्छे से बारीक चूरा बना देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब ये देखिए बन चुका है हमारा सारा प्याज का चूरा। अब इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। और इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। जिस प्लेट में हमने प्याज निकाली थी उसी प्लेट को धो के इसके अंदर थोड़ा पानी और डाल देंगे। और थोड़ी देर ढक के और पकाएंगे हम इसको। अब ये देखिए हमारा कोरमा बनके तैयार है देसी घी का। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।